आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसको क्यों मार रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्या चल रहा है आजकल? अबे भाई, अर्तुरुल चल रहा है। पीटीवी वाले साला इतना स्लो स्लो डाल रहा है, सेकंड सीजन तक पहुंचा है अभी तक। सेकंड सीजन चल रहा है। अच्छा ये बताए, स्टोरी कहाँ तक पहुंची है अभी? अबे बस यही, अर्तुरुल ने नोयान को पकड़ लिया, अब देखते क्या करता है नोयान के साथ। अच्छा ये बता, तुझे क्या लगता है अर्तुरुल नोयान के साथ क्या करेगा? क्या करेगा? अबे कुत्तों की तरह मारेगा, सर कलम करेगा उसका। जितना जुल्म किया ना नोयान ने, वही असर होना चाहिए उसका। अबे यही तो सस्पेंस है, अर्तुरुल नोयान को नहीं मारेगा, इस पे तुर्गुत की हट जाएगी और तुर्गुत और अर्तुरुल का फंडा हो जाएगा। हैं? तुर्गुत खिलाफ हो जाएगा? हाँ। अबे लेकिन तुझे कैसे पता है सब? अबे भाई, तुम्हारी तरह हम गरीब थोड़ी हैं पीटीवी वाले। अबे भाई, हम नेटफ्लिक्स वाले हैं, सब टाइटल के साथ देखें सारे सीजन। एक आंख सब टाइटल पे होती थी, एक आंख स्क्रीन पे होती थी। अबे लेकिन मुझे क्यों बता रहा है? मैं देख लूंगा ना अपनी स्टोरी खुद। अच्छा ये बता, सात को पैक को जानता है? सात को पैक वो छोटा वाला ना? हाँ, छोटे कद वाला। वो पता है चार सीजन तक नहीं मरेगा, बार बार ऐसा लगेगा कि मरने वाला है, लेकिन वो मरेगा थोड़ी। अबे भाई मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे मत बता, मैं खुद देख लूंगा यार, सस्पेंस खराब हो रहा है ना मेरा। अच्छा तुझे पता है सेकंड सीजन के एंड में क्या होगा? अर्तुरुल उसका भाई दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोनों हिजरत कर लो। अबे भाई नहीं बताना आगे का यार। वो जो आयकस है ना, तुझे पता है? अबे भाई मैं तुझे कह रहा हूँ नहीं बता यार, सारा सस्पेंस खराब हो रहा है मेरा। मैं देख रहा हूँ आराम आराम से पीटीवी पे, तूने नेटफ्लिक्स पे देख लिया, लेकिन एहसान थोड़ी क्या है मेरे ऊपर, मेरा सस्पेंस खराब कर रहा है, सारा स्पॉइल कर रहा है तू। स्पॉइलर साला। बेटा ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है तुझे। अंकल आपको एक बात बतानी है। हाँ बेटा बोलो। अंकल आपको पता है तुर्गुत ने असलान खातून से दूसरी शादी कर ली है? क्या, किसने बताया तुम्हें ये? और अंकल आपको पता है जिससे दूसरी शादी की है ना, वो भी मरने वाली है। ये बताओ तुम्हें किसने बताया ये? अंकल वो लाल चश्मे वाले अंकल है, उन्होंने मुझे 20 रुपए दिया और कहा आपको जाके बता दूं। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी। सारा गाना खराब कर दिया। हेलो सर। बेटा मैं असद का वालिद बात कर रहा हूँ। अंकल असद को बुला दे। एक मिनट रुको, बुलाता हूँ। बेटा असद। अरे बेटा असद। अरे लगता है वो नहाने गया हुआ है। अच्छा नहाने गया। अंकल एक काम करें, जब वो आ जाए ना तो उसको बोलेगा सात को पैक ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देके मार दिया था। अरे किसको, किसने मार दिया भाई? अंकल मैं आपको याद करा रहा हूँ, मेरे साथ बोले सुल्तान अलाउद्दीन को। सुल्तान खलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को सात को पैक ने। सात को पैक्स ने। कोपैक्स नहीं, कोपैक ने। अच्छा अच्छा, सात को पैक्स ने। कोपैक ने। कोपैक ने जहर दे के मार दिया। मार दिया जी अंकल। जब वो आए तो ये बोल देगा। जब वो आए तो ये बोल देगा। अरे नहीं अंकल, ये नहीं बोलना, जो पहले वाली बार बोली वो बोलनी है। अच्छा अच्छा चलो बेटा ठीक है, मैं बोल दूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन को सात को पैक ने सुल्तान अलाउद्दीन को मार दिया, जहर दे के मार दिया। अरे मैं कहाँ था? हाँ मैं तो गाने सुन रहा था। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, अरे वाह ये वो बुला रहे थे आप? अरे हाँ बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी। बोले। सात कोपैक ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देके क्या करा था? हाँ मार दिया। अब्बू आपको किसने बताया? अरे तुम्हारे किसी दोस्त की कॉल आई थी और उसने मुझे खास तौर पे याद करवाई ये बात। अरे क्या किसी पागल कुत्ते ने खाया क्या तुम्हें? मरकजी किरदार पाकिस्तान तशरीफ लेकर आ गए हैं, मगर पाकिस्तानियों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी चूना लगा दिया गया है। और आप ये
जरा बात करनी है भाई से। हाँ भाई असद भाई न्यूज देख रहे हो है? भाई थर्ड सीजन के अंदर अर्जुन मरेगा नहीं लेकिन पूरी दुनिया को चूना लगाएगा। वो मर गया दुश्मनों को पागल भी तो बनाना है ये भाई। न्यूज चल रही है असद भाई टीवी में आके मारोगे क्या? मार के दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया मुझे। ब्रेकिंग न्यूज साग करते चलेंगे तीसरे सीजन में। बेटा तू एक दफा मिल जा तेरी खैर नहीं होगी। अबे भाई आ रहा हूँ यार। कौन है अजीत? कब से बैल बजाए जा रहा है? अबे यार एक तो यहाँ के बच्चे भी ना। अर्तुरुल के तीसरे सीजन में दुआन मर जाएगा। अरे यार यार ये आपके बचपन का दोस्त था, आपने इसे क्यों मार दिया? बस यार इसने जुर्म ही इतना बड़ा किया था। अच्छा खासा मैं अर्तुरुल ड्रामा देख रहा था, मुझे हर चीज पहले से बता देता था, मेरा सारा सस्पेंस खराब कर देता था, सारा स्पॉइल कर देता था। लाख समझाया कि पहले से नहीं बताया करो, स्पॉइलर नहीं दिया करो, लेकिन नहीं, नए नए तरीकों से मुझे स्पॉइलर देना शुरू कर दिया। बस एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको देखा और ये मेरे हत्थे चढ़ गया। बस उसी दिन इसकी मौत हो गई, लेकिन बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत अफसोस हुआ। तो फिर भाई आजकल आप अर्तुरुल देख रहे हैं? कहाँ भाई, सारा तो इसने पहले से बता दिया है, अब देखने का क्या फायदा। तो फिर आप आजकल क्या देख रहे हैं? बस भाई आजकल मैं मिर्जापुर देख रहा हूँ, अब तो खैर सुकून से देखूंगा। It was at this moment that he knew. अबे आगे जाके मुन्ना भैया गुड्डू भैया को मारेंगे, दोनों में जंग हो जाएगी और कालीन भैया गुड्डू भैया को जॉब पे रख लेंगे, इसमें मुन्ना भैया की हट जाएगी और इन दोनों में पड्डा हो जाएगा, मुन्ना भैया गुड्डू भैया लड़ेंगे आपस में। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा स्पॉइलर पाया जाता है तो उससे दूर रहें और ये वीडियोस के साथ शेयर करें।